सो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल रुपेंद्र बुलर शॉप। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये कमी है भाई, जब आपकी गाड़ी जब चलती है तो मिसिंग मारती है बहुत ज्यादा, मिसिंग भी, और ऐसे लगता है कि भाई हमारी गाड़ी क्रश पिट डाउन होगी, जितना 40-50 आसपास भागेगी और उसके बाद ऊपर हमारी स्पीड नहीं पकड़ पाती, ऐसा लगता है कि हमारी क्लच पिट डाउन होगी या फिर गाड़ी में कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो, या फिर कार्ब डाउन हो सकता है। तो हमने इसके लिए ऐसा कार्ड खोला, पहले तो क्लच प्लेट को चेक करा, बाकी क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसी बारे सर्विस करी थी ना और क्लीन हो गई थी। फिर हमने प्लग वगैरह करंट वगैरह सारा चेक करा और अपना कार्बोरेटर देखा, और कार्बोरेटर देखने के बाद देखा तो अपने कार्बोरेटर भी सही है। ये देखिए, यहाँ से कोई कट नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये बिल्कुल ओके था, अपना फिल्टर वगैरह भी सही था। तो गाड़ी में कमी क्या थी, ये मालिक बहुत परेशान थे इनके, ये देखिए, ये दिखने में बिल्कुल सही लग रहा होगा आपको, पर इसके अंदर ये देखिए जो हमारी बटरफ्लाई होती है ये सी कट चुकी है। ये देखिए, ये कटने के बाद इसको प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रही थी और इसी कारण हमारी गाड़ी नहीं भाग रही थी और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कार्बोरेटर खत्म हो गया या फिर अपनी क्लच प्लेट डाउन हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये छोटी सी प्रॉब्लम थी और इतनी बड़ी समस्या बन गई। फिर अगर आपकी बाइक ऐसा करेगी भाई 40 से ऊपर नहीं भाग रही या फिर दब के चल रही है बिल्कुल, किस तरह हमारी गाड़ी भागी ना, कोई पीछे से टायर रिम पकड़ लिया और आगे जा नहीं रही, गला पकड़ लिया जैसे बंदे का, ये देखो इसे घुट जाती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो अपना कार्टर नहीं हपाओ, पर वो तो कोई तुक नहीं बनता ना, ये चीज़ अपना ये होती है ना, ये वाली ये नहीं मिलने तो खैर मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, कोई पुराना कार्बोरेटर होता है उसकी निकाल कर इसको फिट कर देंगे, ऐसे अपना खर्चा भी कम आएगा और काम चल जाएगा, क्योंकि इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं ना, और ना ये नया सेट पाने का कोई फायदा है। ओके, तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, छोटी सी जानकारी थी।